दोस्तों आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ दोस्तों ये बेल घंटा दिख रहा है इसे भी दबा दीजिएगा कि दोस्तों आने वाली जो भी नोटिफिकेशन हो वो आपको मिलता रहे और एक लाइक भी कर दीजिएगा। चलिए अब शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नील और आप देख रहे हैं इंडियन लेटेस्ट ट्रिक्स। दोस्तों अगर आप भी अपना पेटीएम के फुल केवाईसी घर बैठे करवाना चाहते हैं, कहीं आप जाना नहीं चाहते हैं, घर बैठे पेटीएम फुल केवाईसी करवाना चाहते हैं, दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखिएगा। इस वीडियो में पूरा लाइव प्रूफ आपको दिखाऊंगा कि दोस्तों कैसे आप दोस्तों घर बैठे अपने पेटीएम केवाईसी करवा सकते हो। चलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा। दोस्तों जैसे कि मैंने एक वीडियो बना दिया था पहले, दोस्तों बना दिया था कि पेटीएम केवाईसी कैसे आपको घर बैठे करवाना है, इस वीडियो में आपको पूरा लाइव प्रूफ आपको दिखाऊंगा कैसे मैंने घर पर अपना एजेंट बुलाया है और अपना केवाईसी करवाया है। इसके बारे में आपको पूरी जानकारी बताऊंगा दोस्तों क्या क्या मुझे डॉक्यूमेंट्स लगा है और दोस्तों कैसे मैंने अपने केवाईसी करवाया है। दोस्तों बता दूं कि आपको रिक्वेस्ट कैसे डालना है, इसके लिए दोस्तों अलग से वीडियो बना दिया हूं, उसको देख लीजिए कैसे कैसे मैंने रिक्वेस्ट डाला था पेटीएम की जो केवाईसी जो एजेंट है उनको बुलाने के लिए घर पे, और घर पे बैठ के दोस्तों कैसे मैंने केवाईसी करवाया है इसके बारे में आपको पूरी जानकारी बताऊंगा दोस्तों, ताकि दोस्तों आप भी कहीं भी पूरे भारत में हो आप भी करवा सकते हो। और दूसरी बात दोस्तों बता दूं कि अगर आपके पास दोस्तों कहीं भारत में कहीं भी रहते हैं और दोस्तों अगर आपके सिटी में पेटीएम के जो ब्रांच है पेटीएम का ब्रांच है दोस्तों आपके पास एजेंट आएंगे आपका फुल केवाईसी करके जाएंगे। चलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा। इस वीडियो में जानेंगे दोस्तों कैसे आप दोस्तों घर बैठे पेटीएम केवाईसी करवा सकते हो। मैं आपको पूरा प्रूफ आपको दिखाने वाला हूं कि मेरे पास जो एजेंट आए हैं कैसे मैंने केवाईसी करवाया है। और सो दूसरी बात दोस्तों ये बता दूं कि आपके पास जो पैन कार्ड आधार कार्ड होना चाहिए, आधार कार्ड पैन कार्ड नहीं है तो दोस्तों पेटीएम के फुल केवाईसी नहीं करवा सकते हो। अब दोस्तों पेटीएम के फुल केवाईसी करवाने के लिए आपको फिंगरप्रिंट लगेगा, बिना फिंगरप्रिंट का आपका केवाईसी नहीं हो रहा है। और दोस्तों साथ में आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए तब जाके आप दोस्तों पेटीएम की जो केवाईसी करवा सकते हो फुल, वरना पेटीएम का फुल केवाईसी नहीं करवा सकते हो। चलिए देख लीजिए वीडियो को कैसे मैंने अपने घर पर एजेंट बुलाया है और मेरे पास एजेंट आए हैं कैसे मेरे केवाईसी किए हैं, ये आपको देखने को मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। हो गया, मतलब जो आधार कार्ड है ये मतलब आप अपने मर्जी से लगा सकते हैं हम, मतलब जैसे कि आधार कार्ड पहले नहीं था ना लगाना, अलाउड नहीं था आधार कार्ड पहले, अलाउड नहीं था ना? नहीं, अब तो आधार कार्ड से हुआ है केवाईसी, बिना आधार कार्ड का नहीं होगा। ऑनलाइन सिस्टम नहीं ना है, ऑनलाइन मतलब कि खुद कर सके फुल केवाईसी नहीं होगा, वो बायोमेट्रिक आपका या तो स्टोर से होगा या हमारे पेटीएम की तरफ से होगा फुल केवाईसी जो होती है। ऐसे आपके एजेंट कितने दिन में आते हैं? एजेंट आ जाते हैं, आपने ऐसे अब अप्लाई किया दो दिन में आ जाते हैं, एक दिन में आ जाते हैं, पूरे पूरे दिन में आते हैं, मतलब पूरे भारत में ही है, मतलब पूरा अभी सिस्टम चल रहा है, मतलब बंदा कहीं गांव में सब सब कहीं भी आ जाएंगे ना, मतलब इसका ब्रांच होना चाहिए पेटीएम का आसपास, तब होगा, अगर दूर होगा तो नहीं होता है, गुड़गांव में तो है अपना यहीं सेट पौधा में। ये लोकल एड्रेस होगा नहीं दिल्ली का? दिल्ली का है। एड्रेस में भी दिखा वो तो होता है क्या लोकल और वहाँ का डालना पड़ता है ना ये? अच्छा जी जी, हाँ वैसे हो गया पूरा। आधार कार्ड जरूरी है, आधार कार्ड पैन कार्ड, जैसे कि पहले आपका वोटर आई डी चल रहा था ना वो एक्सपायर हो जाएगा उसके बाद आधार कार्ड ही मानेगा। अच्छा, बिना आधार कार्ड है खाता नहीं है जी, ये वो सब जगह आधार कार्ड केवाईसी है। ओ डब्ल्यू बी टी एन 3643। एक बार आपका पैन कार्ड नहीं मांगेगा लेकिन आधार कार्ड जरूर मांगेगा। एनुअल इनकम क्या होगी इनकी, कहाँ है तो कितना लिखा है? सात से दस लिख दो, मतलब लाख से? लाख से नहीं भाई, मैं डाल दो। हो गया, बैंक भी खुल गया हुआ। इसको कोई चार्ज वार्ज तो नहीं है ना? नहीं कोई चार्ज नहीं, चार्ज कहीं नहीं लगता ना चार्ज? नहीं ऐसे कोई चार्ज नहीं लगता, बहुत लोग कहते हैं चार्ज लेते हैं इसलिए।
200 रुपये कैशबैक जो आते हैं वो कैसे मिलेगा? कैशबैक सर सब कुछ आएगा आपका वॉलेट में आ जाएगा, गिफ्ट वाउचर वॉलेट में आएगा आपका। ये जो 200 रुपये कैशबैक बता रहे थे वो वाला कैसे बता रहे थे? जैसे कि 200 रुपये जो इसमें बता रहा था पहले 200 रुपये कैशबैक, वो तो अलग अलग प्लान होते हैं ना, वो टाइम के हिसाब से आते हैं कि इस चीज़ पे इतना कैशबैक मिलना है, इस चीज़ पे इतना कैशबैक मिलना है। वो तो मिलते रहेंगे ना अभी? हाँ वो मिलते रहेंगे आपका। बस भाई धन्यवाद भाई, पानी पी लिए? हाँ पी लिए। ओके भाई धन्यवाद।